गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज की एक नई सुबह फिर से एक चैलेंज लेकर आई है हम लोगों के साथ। आज मेरा डे नंबर सेकेंड है रुजुता दिवेकर मैम की डाइट का, तो मैं यहाँ ले रही हूँ पानी। फर्स्ट मील मेरा पानी है, देन उसके बाद मैं लूँगी सॉफ्ट आलमंड्स, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, और जो मैं ब्रेकफास्ट करूंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में मैं पोहा और चाय ले रही हूँ। एज पर रुजिता दिवेकर मैम, आप दिन में 2 टेबल स्पून चीनी ले सकते हैं। मैं मिल्क वाली टी ले रही हूँ, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं होता है। पर मैं ये वेज पोहा ले रही हूँ। आप सूजी चीला भी ले सकते हैं, पोहा भी ले सकते हैं, इडली सांभर डोसा कुछ भी ले सकते हैं, बट लाइट लेना है आपको। पराठा भी ले सकते हैं, बट आप वीक में 1-2 दिन ही पराठा ले तो ज़्यादा बेटर है। ओके गाइस, मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं फिर से आज नारियल पानी ही ले रही हूँ। ये मेरा लंच है, मैंने 2 घंटे के बाद लंच लिया है। लंच में मैं ले रही हूँ माँ की दाल राजमा। ये मेरी ये कर्ड है और एक फुलका लिया है मैंने, जिस पे मैंने देसी घी लगा रखा है, और मैंने दाल में भी अपने देसी घी डाला है। रुजुता मैम कहती हैं आपको 3 टेबल स्पून लेना ही लेना चाहिए घी, आपके लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी फैट होता है ये। और प्लोथी मारकर मैं खाऊंगी खाना, आप लोग भी प्लोथी मारकर खाना। सॉरी, हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं खाना खा के थोड़ी देर सो गई थी। रुजुता मैम कहती हैं एक छोटा सा नैप लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सॉरी, लाइट चली गई। तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक नैप लिया है। अब मुझे खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं अब लेने जा रही हूँ अपना मिड मॉर्निंग स्नैक। चलिए आइए देखते हैं। आज मैं मिड मॉर्निंग में ना तो मैं ओजीवा लेने वाली हूँ और ना ही मैं आज टी लूँगी। आज मैं लेने जा रही हूँ वाटरमेलन, क्योंकि आज मॉर्निंग से मैंने कोई फ्रूट नहीं लिया है। तो चलिए आइए देखते हैं। सीजन का पहला वाटरमेलन कट करने जा रही हूँ। आई होप देखते हैं कैसा होगा, मीठा निकलेगा या नहीं, कट करके देखते हैं, खाएंगे आपके साथ। आइए गाइस, एंजॉय कीजिए वाटरमेलन मेरे साथ, देखते हैं कैसा है। इट्स यम्मी। वैसे मैम कहती है कोई भी फ्रूट ले लीजिए या कुछ ऐसा मील खा लीजिए, जैसे कि आप एक रोटी गुड़ के साथ घी के साथ खा लीजिए, या कोई भी आपका ब्रेकफास्ट का या लंच का लेफ्ट ओवर मील पड़ा हो तो आप वो खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, बट खा लीजिए 6 बजे के करीब, ताकि आप 8 बजे जब डिनर करें तो वो आपको हैवी ना हो और ना ही आप ओवर ईटिंग करें। इसलिए मैम सजेस्ट करती है कि आपको इवनिंग में कुछ ना कुछ लेना चाहिए। और वाटरमेलन बहुत हैवी हो जाता है खाने के बाद, क्योंकि इसमें सारा वाटर वाटर होता है। तो आज मेरा मन था मैं वाटरमेलन खा रही हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से कोई भी फ्रूट नहीं लिया था। अब मिलते हैं गाइस। हे गाइस, मैं इवनिंग में नीचे वॉक करने आई हूँ, मेरे बच्चे साइकिल चला रहे हैं। मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि इस पर बच्चों की क्लासेस आजकल ऑनलाइन होती है तो टाइम नहीं मिल पाता। तो आज मैं इवनिंग में वॉक करने आई हूँ, और हो सकता है मैं रोज़ वॉक करने आऊँ। और मॉर्निंग में मैं सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ 11 बार, जैसे रुजुता मैम ने कहा है। हे गाइस, ये मेरा दूध है। रात को एज पर रुजुता दिवेकर मैम के अकॉर्डिंग हमें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। मैं हल्दी वाला दूध नहीं पी पाती हूँ, तो मैं सिंपल दूध ले लेती हूँ, 4-5 काजू ले लेती हूँ। बट आज मैंने डिनर थोड़ा लेट किया है तो कुछ हैवी फील हो रहा है, इसीलिए मैं दूध भी थोड़ा कम ही ले रही हूँ और आज काजू नहीं ले रही हूँ। बट आप लोग ज़रूर लीजिएगा। गुड नाइट गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी मेहनत को थोड़ा बहुत सफल कीजिएगा। बाय बाय।